फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी विजन चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए गवर्नमेंट के 10 ऐसे लोन्स, इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स लेकर आया हूं जो आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, एमएसएमई का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर इस समय 13 करोड़ एमएसएमई है। एमएसएमई 30% इंडिया के अंदर जीडीपी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट आज भी जो हमारा एमएसएमई का इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर, वो चाइना से पीछे। चाइना के एमएसएमई 60% वहाँ की गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जो एमएसएमई को लोन्स, सब्सिडी, इंसेंटिव स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है ताकि इंडियन एमएसएमई भी ग्रो, छोटा बिजनेस बड़ा बन पाए। इंडिया के अंदर 6.5 करोड़ ऐसे एमएसएमई हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और 6.5 करोड़ मतलब जो कैश का धंधा कर रहे हैं, जिनका रजिस्टर कहीं भी नहीं है, वो सब अभी इस समय कैश के अंदर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इन एमएसएमई के लिए स्कीम्स लेकर आ रही है, जैसे ट्रेडमार्क के अंदर जहाँ पे 9,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लगती है, अगर आप एक एमएसएमई हो तो गवर्नमेंट फीस 4,500 रुपये की लगेगी। प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पेटेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एमएसएमई के लिए। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसी लोन, इंसेंटिव एंड स्कीम्स लेकर आया हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको भी लोन चाहिए, फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। देखिए, सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गवर्नमेंट ने इसके लिए अमाउंट सैंक्शन करा था 74,067 करोड़ का, और अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 69,707 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है एमएसएमई के बीच में। ये लोन वेंडर्स को, ट्रेडर्स को, शॉपकीपर्स को मिलता है। दूसरा लोन इंसेंटिव स्कीम से स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब इसके अंदर क्या है, ये स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी। ये स्कीम बैंक के थ्रू पैसा बांटा जाता है, यहाँ पे लोन अमाउंट रहता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में। ये सिर्फ ST ST के लिए, वुमेन्स के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो पिछले बैकग्राउंड से आती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, ट्रेडिंग में काम कर रही है, तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन को अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली उन बैंक के पास जा सकते हो जिनका टाई अप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सारे अपने टाई अप्स रखती है इन लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर SBI के साथ, या फिर आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो standupmitra.in। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा standupmitra.in, इस वेबसाइट पर जाके भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लोन का रीपे टाइम है वो 7 ईयर्स का है, मतलब विद इन 7 ईयर्स आपको इस लोन को रीपे करना है। एलिजिबिलिटी बताता हूँ, 18 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए हो, आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, LLP होनी चाहिए, टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप SC ST कैटेगरी से होने चाहिए या पिछले बैकग्राउंड से, और आप कोई बैंक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। तीसरा, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अब यहाँ पे अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो तो वो कोलैटरल फ्री है। अगर आपका लोन का रेंज 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में, तो वहाँ पे आपको कोलैटरल मतलब बिल्डिंग, प्रॉपर्टी कुछ रखनी पड़ेगी। सर्विस चार्ज यहाँ पे एडिशनल लगते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी तक 2022 तक 56,000 करोड़ का लोन बांट चुके हैं स्कीम के अंदर। चौथी स्कीम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका जो मेन फोकस है वो रूरल एंटरप्राइज के ऊपर है, मतलब छोटे गांव के अंदर, वहाँ पे लोन्स दे रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं सेमी अर्बन एरियाज के अंदर, और ये 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। जो पांचवी योजना है उसका नाम है उद्योगिनी। इसके अंदर वुमेन्स को फंड दिया गया है, उनको मोटिवेट करा गया बिजनेस करने के लिए। अगर आप एक वुमेन हो, बिजनेस के लिए लोन ढूंढ रही हो, तो आप स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकती हो। 3 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। सिक्स्थ योजना है कॉय उद्यमी योजना। इसको 2014 में लॉन्च करा गया था। ये मिक्स है सब्सिडी प्लस लोन के फॉर्म में, और 5% आपको अपनी जेब से लगाना होता है। एग्जांपल से समझाता हूँ, आपने 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए, तो 1 लाख में से जो 5% 5,000 रुपए आपकी जेब से लगेगा, 40% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, मतलब ऐसा अमाउंट जो आपको रिफंड नहीं करना है, और 55% उसके अंदर लोन रहेगा, मतलब 55,000 रुपए का तो लोन हो गया जो गवर्नमेंट को आपको रीपे करना ही करना है। 10 लाख तक का लोन इसके अंदर प्रोवाइड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम। ये स्कीम चालू हुई थी 2014 के अंदर। यहाँ पे लोन मिलता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 5 to 7 ईयर्स के टाइम में। आपको ये लोन रीपे करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपको अप्रोच करना पड़ेगा NSIC ब्रांच के अंदर, या फिर ऐसे बैंक्स जिनका टाई अप NSIC से हो, वहीं से आपको लोन मिलेगा। आठवीं चीज़ है सस्टेनेबल फाइनेंस स्कीम। इसके अंदर
जो लोन है वो आपको मिलेगा 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में। ये लोन उन्हीं को मिलता है जो ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन माइक्रो फाइनेंस, इको फ्रेंडली लेबलिंग या ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए इस सारी कैटेगरी आपको चेक करनी पड़ेगी। ये लोन 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के टाइम पीरियड तक मिलता है। अब चलते हैं 9th योजना की तरफ, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। यहाँ पे आपको 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। उसके बाद आप जिस इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे हैं वो होनी चाहिए ड्रग्स, फार्मा, बायोटेक, फूड प्रोसेसिंग। अगर इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप हैं तो आपको ये लोन मिल जाएगा। और अभी तक 1800 बिजनेसेस को ये लोन मिल चुका है इंडिया के अंदर। अब चलते हैं लास्ट स्कीम की तरफ, 10th नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्कीम 1982 के अंदर आई थी। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म दो तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं कॉटेज एंड रूरल एरियाज़ के अंदर, और ऑथराइज बैंक के थ्रू इस लोन को बांटा जाता है एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए। अगर आपको ये सारे लोन्स चाहिए तो इनकी मेजर रिक्वायरमेंट्स बता दूँ क्या क्या होती है। पहली चीज़ है 25 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके बाद आपको प्राइवेट लिमिटेड LLP अपनी फॉर्म करनी है, गवर्नमेंट के सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, बिजनेसेस के ऑडिटेड स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, प्लस 6 मंथ्स का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं ना तो बीच में कोई दलाल या एजेंट नहीं होता है, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ने जिन बैंक से टाई अप कर रखा है उनके साथ बात कर सकते हैं और इन लोन्स की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का जो MSME मार्केट है ना, छोटा बिजनेस, वो बड़ा बने, वो स्केल करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा टैक्स के फॉर्म में। प्लस जब बिजनेस बड़ा होता है वो एम्प्लॉयमेंट देता है तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिलता है। और हम लोग इंडियन MSME को ही मदद करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, ऑटो पायलट करने में, स्केल करने में, ग्रो करने में, क्योंकि इंडिया में क्या है आज तक लोगों को नहीं पता ट्रेडमार्क, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, GST क्या होता है। उनको लगता है आज मैं कैश का धंधा कर रहा हूँ, छोटा धंधा कर रहा हूँ, अकेला चला रहा हूँ। बट अकेला आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हो, बिजनेस को बड़ा करना है फंड्स भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, ये सारे सिस्टम भी चाहिए। ईसॉस पार्टनर तो प्राइवेट लिमिटेड चाहिए होती है, तभी आपने देखा होगा इतने सारे स्टार्टअप्स प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाते हैं, स्केल करने के लिए। और ये टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे इसलिए लेती है ताकि इंडियन गवर्नमेंट्स को फंड मिले, ताकि वो और ज़्यादा बिजनेसेस को मदद कर सके। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने पेरेंट्स सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।